हेलो गाइस, दिस इज शर्मा और आज मैं आया हूँ किन्नौर। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ किन्नौर की हसीन वादियाँ, क्योंकि आज मेरे यहाँ पे एक फ्रेंड की शादी है तो हम शादी के लिए आए हैं। और मेरे साथ इस वक्त कैमरे के ऊपर सौरभ गुप्ता तो नहीं है यार, वो रामपुर में ही है, और मेरे साथ है त्रिलोक भाई जो कि बड़े दूर से दिल्ली के रहने वाले हैं और बेसिकली वैसे यूपी के हैं। और क्या कहते हैं, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज कि किन्नौर का जो कल्चर रहता है ना, और किन्नौर के अंदर किस तरह से जो मैरिज होती है उसको किस तरह से मनाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ का जो ट्रेडिशनल है, कल्चर है, वो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से यहाँ पे शादियों में डांस होता है, बैंड बाजा, किस तरह से स्वागत होता है, हर चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जो चीज़ें मैं दिखा पाऊँगा आपको, हल्का हल्का मैं आपको व्यू भी दिखाने वाला हूँ। और मेरे साथ ही में और है मेरे बड़े भैया सोम भैया और मेरे मामू नीटू मामू, आप सभी को मैं उनसे भी मिलवाने वाला हूँ। हम किस तरह की मस्ती कर रहे हैं वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलो सबसे पहले मैं भी आपको मैं दिखाता हूँ किन्नौरी एप्पल। आओ जल्दी 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 जल्दी, ये कहा किन्नौरी सेब। वैसे तो यार ये जो सेब है ना, यहाँ देखो क्लोज कर थोड़ा, वाह है ना। अच्छा इधर देखो, वाह यम, इसको टेस्ट करते कैसा होता है। यमी यमी, ये तो गोल्डन है, रॉयल के वैसे तुरंत हो चुका है। ये है परफेक्ट। सो दिखाने वाला हूँ, इससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स, और हाँ ये वीडियो में ये व्लॉग हमारा काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है, सॉरी क्योंकि बिजी शेड्यूल था, काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था मैं, मेरे एग्जाम चल रहे थे। सो वीडियो को देखते रहे, लाइक शेयर और हाँ भाई प्लीज़ यार कमेंट कर लो, और अच्छी लग रही हो ना अपने फ्रेंड तक भी भेज दो। थैंक यू। सबसे पहले मामा श्री, कैसा लग रहा है मामू आपको? सफर कैसा रहा सफर आपका? अद्भुत। और अभी हम और भी अभी हम इस लिंक में जाएंगे, ये लिंक जाता है रारंग। नारंग नारंग जाएंगे, रारंग रारंग चलो। और ये हमारे त्रिलोक भाई, कैसा लग रहा है भाई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा किन्नौर। देखिए मिलवाता हूँ मैं आपको अपने बड़े भैया सोम भैया से। हेलो सर, कैसा लग रहा है आपको किन्नौर में आके? सफ़र कैसा रहा आपका? चार घंटे लगभग तय करके अभी हम अब यहाँ से ऊपर जाने वाले हैं। कि आप एक बार पत्थर को सीधा सीमा के पार डाले, ये चलिए 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 मामू। ओ नो नो, गया 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 गया, रह गया ये वाली चीज़ है यार, मिस लास्ट लास्ट चांस, लास्ट चांस, लास्ट चांस मामू। चलो चलो
घूमे ले चले लास्ट पत्ता पक्का ही जाएगा पहले देख वाह ये है नेओजे का पेड़। मतलब कि पूरे इंडिया में या मैं पूरी दुनिया भर की बात करूं नेओजा एक ही जगह पे मिलता है, वो जगह है किन्नौर। किन्नौर और मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आओ आओ त्रिलोक भाई आ गया हूँ। इस वीडियो में आपको देखेंगे, आपको त्रिलोक भाई भी गाना वाना गा लेते हैं। देखो पहाड़ी सॉन्ग कैसे गाते हैं। ये है नेओजा है ना, इससे निकलता होगा कहीं से, मेरे को प्रॉपर इसकी मतलब नॉलेज तो है नहीं है, लेकिन इससे निकलता है। और सो ये सबसे महंगी आइटम है लवी में ना, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है और पूरे विश्व भर में इस चीज़ को बहुत तरीके से मतलब खाया जाता है और बहुत कीमती है। मतलब कि 1500 रुपये किलो है भाई ये, सोचो आप। और जहाँ पे हम आए हो ये बहुत बड़ा पेड़ है और काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। किन्नौर अपने आप में सच्ची में बहुत खूबसूरत है और आज मैं आया हूँ यहाँ पे तो यार इतना मज़ा आ रहा है ना मेरे को। ये देखो आप पेड़ ऐसे चिपचिपा सा कुछ है यार, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखो आप पेड़ भी है, मज़ा तो बहुत आ रहा है। और यहाँ देखो यार हमारे हाथ में ये लग गया, ये हमारे ठेठ पहाड़ी भाषा में तो बोलते हैं ना इसको खलजा पर किन्नौर में आके बंद क्या बोलते हैं वहाँ। इधर खाना भी खाना था, खाना भी खाया। और अब देखो यहाँ हाथ में चिपक चिपक रही है और जोर से दिखाना। इधर एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, यहाँ देखो ऊपर, वाह है ना अच्छा। पिंक प्लाजो बोलो नोखे नोखे करे तो मैं शोक बमड़ी मोरे नहीं खाने के नाजो रे, मोरे नहीं खाने के नाजो तेरे शो, मोरे नहीं खाने के नादो नाशो रे। अदिये पौए के पैसे थारे ना मेरे नहीं खर्चे ना रे। कोई दूसरा हुंदले मुँह किराया अंजाऊ बाबा नुकरी, किन्नौरी भी जानता है भाई। बाबा नुकरी शोशुर पे कमाई के गोरेणु वोड़ के जो करी, गोरेणु वोड़ के जो करी। बोला जमानी लागे जोड़ दी, मेरी उम्र लागे जोड़ दी, जब लागे तेरे जोड़ दी मामा पिजोले कर देखो। ये बन रहा है पनीर, कढ़ाई पनीर नहीं नहीं क्या उसको, यस यस कढ़ाई पनीर। और यहाँ पर भी अभी कुछ ही जगह बनेगा चिली चीज, उसके लिए सामान। कभी आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे अगर आपको स्वादिष्ट भोजन अगर करना है। ये हमारे शेफ साहब है, हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पर बन रही है किन्नौरी पूरियाँ, ये देखो आप आंटी जिस तरह से बना रहे हैं, वाव अलग सा रहता सबका। कस टेस्ट बता रहे हैं हमें टेस्ट करके बताया हूँ। ये हमारे तो मल्टी टैलेंट पर्सन हैं। आप वहाँ आए स्वादिष्ट इनके हाथों के पकौड़े खाएं। ये से नहीं कि पकौड़ों के उस्ताद, ये चाट पकौड़ी क्या बोलते गोलगप्पे हर चीज चाट बहुत सारे के उस्ताद है, हमारे छोटे से उस्ताद है, मात्र 20 साल की उम्र। हेलो इतना बड़ा टैलेंट, इतना खूब टैलेंट। हाँ जी हम ये अमीन है। ये बन चुका है चिली चीज और इसमें पड़ने वाला है स्वादिष्ट घना चोखा स्वादिष्ट।
ये देखो यहाँ की डेकोरेशन। और हम एक्चुअली में अपने फ्रेंड की शादी में एक दिन पहले आ गया, सो आपको दिखाते हैं एक दिन पहले की यहाँ की डेकोरेशन। देखो यार आप, वाव, मतलब कल आएंगे यहाँ पे मामू ना, तो कल देखो यहाँ पे कैसा धमाका। और यहाँ पर लाइव सेक्शन होने वाला है, कल सिंगर आएंगे। और इस तरह की यहाँ पे देखो रितुल भैया की यहाँ पे डेकोरेशन हुई है, सरान से है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे और किसी को भी इस तरह की। पारंपरिक चीज़ है और ये सिर्फ और सिर्फ किन्नौर में ही होता है। जब शादियाँ होती है तो देवता साहिब अपना आशीर्वाद देते हैं कि शादी होनी चाहिए कि नहीं हो, क्या सब कुछ। हेलो गाइस, सो शादी में नहीं मस्ती कर रहे हैं ना, और मेरे साथ अभी देखो मामू हैं, और ये देखो टेंट लगा के सोए हुए हम तो, और मतलब कि कल पूरी रात हमने यहाँ पर बिताई है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लाइट का प्रबंध नहीं कर पाए हम, इस वजह से मैं मतलब रात को तो शूट नहीं कर पाया, लेकिन अभी हम यहाँ पर हैं। सो अलग ही फीलिंग है यार, किन्नौर में अलग ही फीलिंग है, मज़ा आ रहा है। देखते रहो वीडियो को, लाइक शेयर कमेंट, ओके कर। और देखो आप मेरे साथ है मामा श्री। हेलो मामू, कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है किन्नौर आके, कैसा लगा आपको? सो किन्नर कैलाश, आमने सामने है ना, मजा ही अलग है। किन्नर कैलाश है, अभी नहीं दिखा पाएंगे आपको, है ना। मैंने लिया हुआ वीडियो, मैं सब दिखाने वाला हूँ इनको इस वीडियो के माध्यम से। सब लोग देखो, लाइक शेयर कमेंट, मजा करो बे।